हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वेलकम बैक। आप सबका फिर से स्वागत है आरबीएम की इस चर्च पर। एंड आई होप कि आज आपने बहुत सारे एक्साइटमेंट और बहुत सारे नया चीज जानने के साथ और एक्साइटमेंट के साथ आपने आज हमें ज्वाइन किया है। हम ये विश्वास करता है और हम ये विश्वास करता है कि आप में से बहुत सारे लोग और इस साइड बहुत सारे एक्साइटेड हो कि हम यस, अगर आपने प्रीवियस मतलब वीडियोस देखा है तो आप लोग को याद होगा कि हमने किसके बारे में बात कर रहे थे। हम यस द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, वी वर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, राइट? यस, हम उसके बारे में बात करते हैं। एंड अगर आपने पूरा देखा है तो हमने ये भी कहा था कि हम उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट में हम एक बाइबल वर्स के साथ हमने एंड किया था, आप सबको याद है? वेरी गुड माई चिल्ड्रंस, वेरी गुड चिल्ड्रंस, आप सबको याद रहा। गॉड ब्लेस यू। सो व्हाट वाज द वर्स, कौन सा वर्स था? यस, जॉन 3:16। हमने जॉन 3:16 के साथ एंड किया था। एंड वी सेड, एंड हम मैंने आपको ये बताया था कि हम इस संडे कंटिन्यू करेंगे। सो माय डियर चिल्ड्रंस, अंकल आंटीज, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आर यू रेडी फॉर टुडे? ओह यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो बिफोर स्टार्टिंग, यू कैन शेयर आप इस ब्रॉडकास्ट को हमारे आपके दोस्तों के साथ, हर जगह आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? जिनको भी आप जानते हो, जो भी बच्चा छोटा छोटा बच्चा लोग आप जानते हो, अगर अंकल आंटी साहब हमें देख रहे हो, अगर एडल्ट लोग हमें देख रहा है, तो अपने बच्चे लोगों को, जो भी बच्चे लोगों को आप शेयर कर सकते हो, आप इन सबको शेयर कर सकते हो। एंड हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच फॉर sharing, thank you so much for sharing, thank you so much. So we will go to the topic right now. Hum abhi topic pe chalte hain, praise God. So hum kahan rukha tha, humne rukha tha John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son. We are meditating, hum log us par meditate kar rahe the, hum us par baatein kar rahe the, hum aapko bata rahe the greatest gift के बारे में। और आज के दिन हम लोग ग्रेटेस्ट गिफ्ट के पार्ट टू में आ चुके हैं और हम इसके कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोगों को याद है? यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रीशियस लॉर्ड, यस थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर गोइंग, हम आप लोगों को पूरा बताने से पहले वी विल प्रे, वी विल थैंक द लॉर्ड, we will say thank you Jesus to the Lord, okay, to our Jesus, to our God, to our Heavenly Father, okay, we will say thank you to Him because He deserves it, okay, वो deserve करता है हमारा praise, हमारा आराधना, हमारा प्रार्थना, वो deserve करता है because He has done such a great thing for all of us, क्योंकि उसने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है। अभी शायद आप में से कोई सोच रहा होगा क्या बड़ा काम किया है, ऑक्सीजन ले पा रही हो, वो एक बड़ा काम आपकी लाइफ में किया है? आप अपने देख रहे हो, आपने सुंदर सन दिखाई दे रहे हो, बर्ड्स को आप सुन पा रहे हो, वो गाना गाते हुए आप उनको सुन पा रहे हो, आप जानवर को देख पा रहे हो, आपको उन सभी के लिए थैंकफुल होना है गॉड को, ठीक है? और मैंने बताया कि इम्पोर्टेंटली तो गॉड ने अपना सन जीसस क्राइस्ट को हमें दिया, उसके बारे में हमें हमेशा सोचना कि हमें उसके लिए लॉर्ड को हमेशा थैंकफुल होना है, क्योंकि गॉड ने जीसस क्राइस्ट के थ्रू हमें सेव किया, राइट चिल्ड्रंस? गॉड ने हमें जीसस क्राइस्ट के थ्रू सेव किया, तो उसके लिए भी हमें गॉड को हमेशा थैंकफुल रहना है, हमेशा हमें गॉड को क्या बोलना है, थैंकफुल रहना है, ओके? सो विथ दिस वी विल थैंक द लॉर्ड, ओके? वो हर छोटा सा चीज़, छोटा से लेके बड़ा चीज़ से लेके हर चीज़ों के लिए हम लोग गॉड को अभी थैंक यू बोलेंगे, ठीक है? आप सब लोग अपनी आँखें बंद कीजिए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, okay? So everybody close your eyes and pray. Okay, आप सब लोग अपने दिल में अपने मुंह खोल के आप प्रार्थना कर सकते हो, जैसे आपको प्रार्थना करने माने आप करो, पर जीसस को आज आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच प्रीशियस लॉर्ड, आज के इस दिन के लिए
We thank you, Father, and we thank you for everything that you have done for us and that you are going to do for us. हर चीज़ों के लिए धन्यवाद जो आप मेरे लिए करोगे और करने वाले हो प्रभु और जो कर रहे हो प्रभु वो सारी चीज़ों के लिए थैंक यू माई फादर थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस इन जीसस नेम वी प्रे Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, kids. Thank you, Jesus. So, we will start, okay? We will start our topic, but we will enter in God's presence with dancing, okay? Hum ek dance karenge and so, be patient, okay? I will really explain to you. Hum aapko zarur batayega. So, let's enjoy, okay? Because God's presence mein jab hum aate hain, hum kya karenge? Yes. आप लोग को हम हमेशा बताते हैं कि हमें हमेशा रिजॉइस करना है डांसिंग के साथ प्रेजिंग के साथ एक हैप्पी हार्ट के साथ है और यहाँ पर आज कौन कौन है जो हैप्पी हार्ट के साथ आया है हंता वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गॉड ब्लेस यू सो विथ दिस वी विल डांस एंड आप लोगों को बस यहाँ पर मोबाइल में सिर्फ ऐसे देखते नहीं रहना है ओके यू हैव टू ऑल्सो मूव योर बॉडी ओके आपको भी अपने बदन को हिलाना है एंड गाना गाना है ठीक है गाना गाओगे ना चलो सो विथ दिस वी विल गो टू डांसिंग Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a Hallelujah. Praise the Lord. Kya aap sabne dance kiya? Amen. Thank you, Jesus. God bless you. And yes, we were talking about the greatest gift, right? Hum log greatest gift ke bare mein bata rahe the. Aur humne isse aapko last verse ke sath ek ending kiya tha. Last Sunday humne ek kiya tha. John 3:16 ke sath hum iske bare mein continue zarur karenge. Par usse pehle आप में से बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन होते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें बहुत सारे गिफ्ट्स के बारे में पता चलता है ओके हमें बहुत सारे गिफ्ट्स के बारे में पता चलता है दैट देयर इज द गिफ्ट्स ऑफ गिविंग कि हम गॉड को देना दिस इज ऑल्सो ए गिफ्ट ओके ये भी एक तोहफा है कि हम किसी को दे सकते हैं एंड गिफ्ट ये भी होते जो होली स्पिरिट का गिफ्ट भी होता है यार आप लोग में किस किस को पता है होली स्पिरिट के गिफ्ट्स के बारे में यस होली स्पिरिट के गिफ्ट्स का आप लोग को याद है जैस्मिन दीदी ने आप लोग को लास्ट संदेश में आप लोग को बताया गया था लास्ट मंथ आप लोग को बताया था वो जो होली स्पिरिट के बारे में बता रहे थे होली स्पिरिट के बारे में बता रहे थे उनके 9 फ्रूट्स के बारे में बता रहे थे राइट दैट इज ऑल्सो ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड ओके होली स्पिरिट वो भी हमारा एक गिफ्ट है बट हाउ कैन जीसस बी द आवर ग्रेटेस्ट गिफ्ट आप में से शायद बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे कि हाउ इज जीसस How is Jesus our greatest gift? शायद आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं Then let me tell you, okay? हम आपको explain करेंगे सब लोग मैं ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ जानते हो क्या होता है जब जो जीसस क्राइस्ट ना उसको आप चलो सब लोग मेरे साथ इमेजिंग करेंगे ओके एक दिमाग में एक इमेज बना लो अपना ठीक है एक बहुत बड़ा तोहफा है ठीक है बहुत बड़ा तोहफा आपके रूम से भी बड़ा तोहफा ठीक है आपके रूम से भी आपके घर से भी बड़ा तोहफा अमेजिंग कर लिया आप लोगों ने ठीक है एक बड़ा सा तोहफा है एक बड़ा सा तोहफा है एंड क्या हुआ उस बड़े से तोहफे को जब
और जानते हो वो बड़ा तोहफा कौन है? जीसस। ओके, कौन है? जीसस। और जब आप उस बड़े तोहफे को ओपन करते हो, जब उस बड़े गिफ्ट को, आपके घर से भी बड़ा वाला गिफ्ट, यस, उसको जब आप ओपन करते हो, क्या होता है जानते हो? आपको उसके अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स को दिखाई देता है। और वो सब गिफ्ट्स ही है जब आप जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करते हो, जब आप जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करते हो, यस ही इज माय सेवियर, ही इज माय पर्सनल सेवियर, ओके, वो मुझे बचाने आया है। जब आप जीसस को विश्वास करते हो कि वो मुझे हर चीज़ों से चंगाई देता है, हर बुरी आदतों से चंगाई कर जाता है, ठीक है, मुझे छुटकारा देता है, मुझे आनंद से भरता है, जब आप जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करते हो कि वो ये हेवनली फादर, हमारे पिता परमेश्वर का एक लौता पुत्र जो हमारे लिए भेजा गया, जब आप उस पर विश्वास करते हो, क्या होता है, वो बड़ा सा जीसस का जो गिफ्ट है ना, उसको आप ओपन कर रहे होते हो जब आप विश्वास करते हो। ओके, जब आप विश्वास करते हो उस बड़े से गिफ्ट को आप ओपन करते हो, और आप जब उसमें देखते हो, तो जब खोल के आप देखते हो ना उस गिफ्ट में, तो आप देखते हो कि वाह, जब मैंने जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया मेरी ज़िंदगी में, जब मैंने कहा जीसस प्लीज़ कम टू माई लाइफ, जब आप ऐसा करते हो ना, आपको बहुत सारा गिफ्ट्स मिलते हैं उसके अंदर में, जो इज द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ओके, जो इज द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, उसका वहाँ पर आपको पवित्र आत्मा के बारे में पता चलता है, उनके प्यार के बारे में पता चलता है कि वो हमारे साथ हमेशा है, और आप बहुत सारे गिफ्ट्स किसी को देना, किसी को काउंसिल करना, किसी की मदद करना, हेल्पिंग, दैट इज ऑल्सो अ गिफ्ट, क्योंकि अगर आप किसी को मदद कर पाते हो, किसी को दे पाते हो, किसी की सहायता कर पाते हो, कि बहुत सारे लोग ये सब नहीं कर पाते, ठीक है। बट अगर जब हम जीसस क्राइस्ट को ओपन करते हैं, हमें ये सब गिफ्ट्स मिलता है गॉड से, जीसस, ठीक है। सो दैट इज व्हाई जीसस इज आवर ग्रेटेस्ट गिफ्ट। Okay, here's our greatest, wonderful and marvelous gift. Okay, let me begin with it. मैं आप लोगों को इनसे मैं अपना छोटा सा टेस्टिमनी बताती हूँ कि ठीक है, हम अपना छोटा सा टेस्टिमनी बताएगा मेरे साथ क्या हुआ, कल की ही बात है, ओके, मेरे साथ क्या हुआ, रिसेंटली हुआ मेरे साथ, क्या हुआ, मैं ऐसा सोच रही थी, मुझे एक बहुत सुंदर से एक कपड़ा मिला था, ठीक है, बहुत सुंदर था वो कपड़ा, बहुत सुंदर था, मुझे वो बहुत पसंद आया था, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से हम वो कपड़ा को धोने के लिए, ओके, धोने के लिए हम वो कपड़ा को रखा, वो कपड़ा को हम जो भिजा के रखा था श्राफ में, हम जो उसको वॉश करेगा बोल के, हम उसको धोएगा बोल के हम भिजा के रखा था, फिर लास्ट में देखा तो जब मैंने उसे बाहर जब मैंने उसे धोने के लिए निकला उस कपड़े को, जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि उसमें बहुत सारा दूसरा कपड़ा लुका कलर्स लग गया, तो उस समय हम बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि वो ड्रेस हमको इतना पसंद था, वो कपड़ा मुझे इतना पसंद आया था, लेकिन अभी देखो तो वो कपड़ा में गंदा लग चुका था। ओके, दिस इज ए रियल स्टोरी, यहाँ दीदी के साथ ऐसा हुआ, दीदी अपना कहानी आपको बता रहे हैं, जो मेरे साथ हुआ टेस्टिमनी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, मैं बहुत दुखी हो गया, हमको दुखी हो गया कि इतना सुंदर कपड़ा क्यों खराब हो गया, क्यों इसमें कलर लग गया, हम ऐसा हो गया, फिर वो समय में होली स्पिरिट मेरे अंदर मैं कुछ बताया, जानते हो आप लोग जानना चाहते हो कि गॉड ने कहा क्या कहा मुझे, मैंने गॉड को ऐसे कहा ना, मैंने उस कपड़े को उठाया और बोला, लॉर्ड क्या मुझे कभी भी कुछ भी अच्छा चीज़ नहीं मिल सकता, हम गॉड को ऐसा लगा, गॉड क्या मुझे कभी भी अच्छा चीज़ बेस्ट गिफ्ट क्या कभी हमको बेस्ट चीज़ कभी हमको नहीं मिलेगा, तब होली स्पिरिट ने मुझे रिमाइंड किया, ओके, जब हम जीसस क्राइस्ट में बिलीव करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, हम रिसीव करते हैं अपने अंदर, तो होली स्पिरिट ने मुझे बताया, मुझे रिमाइंड किया, मुस्कान तुम्हें सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट गिफ्ट तुम्हें मिल चुका है, एंड हम सोचा ओके, मुझे सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट गिफ्ट मिल चुका है, एंड फिर होली स्पिरिट ने मुझे रिमाइंड किया, यस वो जीसस है, ओके, जब हम जीसस को विश्वास करते हैं, जब जीसस को हम अपने पास रिसीव करते हैं, हमें सबसे बेस्ट गिफ्ट को मिलता है, सबसे बेस्ट चीज़ों को मिलता है, तब मैं समझ गई, यस लॉर्ड, हमको तो ये कपड़ा तो कुछ नहीं, मुझे तो सबसे बेस्ट गिफ्ट मिला है, सबसे बेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे वंडरफुल और सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट मुझे मिला है, एंड दैट इज जीसस, बल्कि वो समय मेरा जो भी दुख था, मैं जो भी दुखी होकर बैठ रही थी, मेरा सारा दुख चला गया, और उस समय मैं आनंदित बना रही थी, हम खुशी था, ठीक है, सो इसलिए आप में से शायद बहुत सारे लोगों का थॉट्स ऐसा होता होगा,
बहुत सारे लोग सोच रहा होगा क्या मुझे कभी अच्छा चीज नहीं मिल सकता, लेकिन आज आपको जानना है दैट आपको सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट चीज मिल चुका है, एंड दैट इज जीसस। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू। सो विद दिस वी विल हम फिर से एक डांस करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वेलकम बैक। एंड क्या आप सबने डांस किया? आमेन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। सो हम क्या बात कर रहे थे? यस, ग्रेटेस्ट गिफ्ट, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट जो हमने गॉड से रिसीव किया, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। एंड आपको हम रिलेट कर रहे थे जॉन 3:16 से, उस वर्स को लेके हम सब बता रहे थे, राइट? सो जॉन 3:16 का तो आप लोगों को सबका दिमाग में अभी याद रह जाना चाहिए, क्योंकि हमने उसे इतना बार रिपीट कर चुका है। शायद आप में से कोई लोग हो सकता है, दीदी कितना बार जॉन 3:16 बोलेगा, शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच ही रहा होगा, ठीक है? सो व्हाट इज द वर्स, कम ऑन, रिमाइंड योरसेल्फ। अभी आप देख लो, दीदी यहाँ पर तो बहुत बार रिपीट कर लिया, क्या आपको याद रहा है? चलो याद करो। यस, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज only begotten son that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Huh? But didi aisa kyun bata raha tha? Okay, so we will hum log iske bare mein aage baat karte hain. So sab log abhi mere saath apna bible le lo, mere paas mere bible hai, aap log apna bible le lo and hum iske bare mein aur meditate karte hain, par is bar ek alag verse ke bare mein se hum log meditate karenge ki god ne kyun jesus christ ko hamare liye send kiya, ठीक है? हमें क्यों जीसस क्राइस्ट को हमें दिया? ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दिस इन रोमन्स 6:23। सो सब लोग अपना बाइबल खोलो, एंड आई बिलीव अभी तक आप सबके पास बाइबल है, आप सबके पास बाइबल है, आप ये विश्वास करता है। सो सब लोग आ जाओ रोमन्स 6:23। सो मैं आपके लिए पढ़ दूंगी, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज दैट, एंड क्या लिखा है, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज एटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। सो हम या क्या लिखा है इसमें, यस, कि जो सीन का वेजेस है, मतलब कि वेजेस को हम लोग आपको बताएगा तो उसको बोलते हैं एक तरह का जो काम होता है, जब हम कुछ काम करते हैं, जब उसके बदले हमें कुछ मिला जाता है ना, उसको वेजेस बोलते हैं, ठीक है? सपोज अगर आप लेबर्स लोग को भी देखेगा, जब आप लेबर्स लोग जब उन लोगों को काम करता है ना, उन लोग बिल्डिंग्स बनाता है, बहुत सारा काम करता है, तो उन लोगों को उनके काम ख़त्म होने के बाद उन्हें उनका जो काम है उसके हिसाब से उन्हें पैसा दिया जाता है, ठीक है? पैसा दिया जाता है, तो वैसे वेजेस को भी आप ऐसे मान सकते हो, मतलब कि जब हम कुछ काम करते हैं उसका बदले हमें कुछ मिलना, ठीक है? तो क्या था सीन का वेजेस, क्या था, मतलब सीन करेगा तो हम लोग को बदले में उसका बदले क्या मिलना था? क्या दैट, राइट? दैट सीन करेगा तो हम दैट पे चलते हैं, हम दैट पे रहते हैं, राइट? तो जीसस क्राइस्ट, फिर आगे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंड आगे में हम पढ़ते हैं बट द गिफ्ट ऑफ गॉड, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड is eternal life, is eternal life in Christ Jesus our Lord. Hallelujah.
पर जो गिफ्ट है, जब यीशु मसीह का गिफ्ट है, ओके, जो हम, लेकिन जब यीशु मसीह में बिलीव करते हैं, उससे हमें क्या गिफ्ट मिलता है? एटर्नल लाइफ, कभी ख़त्म नहीं होने वाला लाइफ, मतलब ऐसा लाइफ जहाँ पर सिर्फ आनंद है और हम यीशु के साथ हमेशा रहते हैं, ठीक है। एक ऐसा अलग गिफ्ट हमें मिलता है गॉड से। तो दीदी ने आपको सबसे पहले शुरू में ही बताया था, राइट, स्टार्टिंग में क्या बताया, दैट जीसस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, am I right? Jesus is the greatest gift, and उसको जब हम open करते हैं उसके अंदर हमें बहुत सारा gifts मिलता है, and उनमें से एक gift क्या है? This, the eternal life, okay? The gift of God is eternal life. जब हम Jesus को receive करते हैं अपने life में, तो हमें eternal life मिलता है, okay? And अभी तो आप सब लोग छोटे छोटे होते हुए तो आप लोग सोचता होगा, हाँ तो कोई पाप नहीं किया है, हम तो कोई सीन ही नहीं किया, हम कुछ गलत काम नहीं करते। वेरी गुड, अगर आप ऐसे करते हो तो कुछ गलत काम नहीं करते हो, वेरी गुड। लेकिन जानते हो बाइबल क्या कहता है? बाइबल ऐसे बोलता है कि अगर हम लोग फुलिश रहता है, हम लोग एक बुद्धू इंसान होता है, अगर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत पवित्र वाला इंसान है, हम लोग कभी पाप नहीं किए, ओके, बाइबल ऐसे कहता है। बाइबल ऐसे कहते हैं, अगर तो एक इंसान कहता है कि आई एम नॉट ए सिंफुल मैन, मतलब कि वो एक फुलिश वाला इंसान है, तो बुद्धू वाला इंसान है बोलते हैं, ओके, समझ में आ रहा है? इसके बारे में हम और टॉपिक बात करेंगे, और हमको लगता है कि हम बहुत सारा समय ले लिया है आप लोगों का, हमारा टाइम से ज़्यादा निकल गया, बट इट्स ओके। सो आई बिलीव कि आप लोगों को समझ में आया कि दीदी क्या बता रहा था, ओके, तो इसके बारे में हम और ज़्यादा बात कर रहे थे, और ये मंथ आप लोगों को सबको पता है कि ये मंथ हम ग्रेटेस्ट गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। द मंथ ऑफ दिसंबर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द ग्रेटेस्ट गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो हम इसके बारे में और बात करेंगे हमारे नेक्स्ट संडे में, ठीक है। तब तक के लिए आप आज के जो ये सर्विस है हम यहाँ पर एंड करेंगे, एंड अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो आप जरूर शेयर करो, आप हर बच्चे लोगों को, अगर आप ब्लेस्ड रहा है तो आप सबको शेयर करना, ठीक है। आप यहाँ पर किसके समाचार को सुना रहे हो? दीदी का नहीं, ओके, दीदी का टीचिंग को नहीं, गॉड का, ठीक है। आप जीसस को, गुड न्यूज़ को फैला रहे हो कि हमें सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट मिला है जीसस का, जीसस के द्वारा, ओके। सो आप इसको शेयर कर सकते हो। अगर आप हमारे RBM की चर्च पर अगर आप अपना सीट ऑफरिंग देना चाहते हो तो आपको भी उसका लिंक दिया जाएगा, तो आप उसको, उस पर आप दे सकते हो। अगर आप ब्लेस्ड रहे हो, अगर आप देना चाहते हो तो आप हमारे किस मिनिस्ट्री पे ज़रूर दे सकते हो। सो विद दिस वी विल मीट यू नेक्स्ट संडे, एंड हम जीसस को एक बड़ा थैंक यू बोल के हम अपने सर्विस को एंड करेंगे। चलो सब लोग मेरे साथ बोलिए, थैंक यू जीसस, हालेलुया।